नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम जिसका नाम है पैसों की बात। पैसों की बात कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि हमारे गुरुदेव सी दिवाकर जग्गा सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों। दर्शक लगातार आपके इस कार्यक्रम को पैसों की बात कार्यक्रम को लगातार सराह रहे हैं, उनके कई सवाल कई जवाब जो आप लगातार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं उन्हें काफी पसंद आ रहा है जी। और वो सवालों पे सवाल वो मतलब जो YouTube पे कमेंट्स के थ्रू पूछते जा रहे हैं जी, तो उनमें से ही लगातार ऐसे कई सवाल आ रहे थे जहां वो पूछ रहे थे कि क्वाइंस के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाए जी। तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि जहां हम क्वाइंस के बारे में डिस्कस करें, 1-to-1 क्वाइंस के बारे में। तो सर अभी हमने कुछ दिन पहले डोज क्वाइन की बात की थी जी, और अभी हमारा जो प्लानिंग है हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक बहुत ही उम्दा क्वाइन है जो BNB क्वाइन है। हाँ, BNB क्वाइन के बारे में हम दर्शकों को आज बताएंगे। इससे पहले बताने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप रेगुलर वे में अगर हमसे आप ऐसे चीजों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे सलाह ऐसे तरीके बताए जाएं जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आपको सहूलियत हो, इसके लिए छोटा सा काम करना है आपको। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप लिंक पे जाना है और वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको डे टू डे बेसिस पे आपको ऐसे तरीके बताएंगे ऐसे नॉर्म्स बताएंगे जहां से आपको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो मार्केट में फलने फूलने के लिए आपको मदद कर सकता है। तो देर किस बात की, आप आइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जी, जी। हम सर बात करेंगे आज BNB क्वाइन के बारे में जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि BNB क्वाइन जो है आखिर इसका बैकग्राउंड और जो अभी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी एक इंडिविजुअल इसके बारे में उन्हें क्या क्या मालूम हो जी सर प्लीज। तो पुरुषोत्तम जी, BNB जो कॉइन है जिसे बाइनेंस कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले हम इसका सप्लाई का बात कर लेते हैं जी। तो इसका जो टोटल सप्लाई है वो 16,68,00,000 है जी। और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 16,68,00,000 है जी। तो जो इसका मैक्सिमम सप्लाई है वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो 16,68,00,000 का जो फिगर है वो इसका सप्लाई है, जो टोटल सप्लाई भी यही है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी यही है, और इसका नया कोई सप्लाई मार्केट में आने वाला नहीं है। और अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक की बात कर लें तो ये नंबर 3 पे स्टैंड कर रहा है आज की डेट में, यानी कि नंबर 1 पे बिटकॉइन है, नंबर 2 पे इथरम है, नंबर 3 पे BNB कॉइन स्टैंड, टॉप 3 में जी जी। तो जहां अब हम इसका यूजेज का एक बात कर लें तो BNB जो है बाइनेंस कॉइन जो है वो नेटिव करेंसी है बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज जी हाँ। अब बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो उस वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की ये नेटिव करेंसी है, मतलब वहां पे ये यूज होता है। या अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि जब आप बाइनेंस पे कोई भी आदमी जो है वो ट्रांजेक्शन करता है और जो उसको ब्रोकरेज देना होता है, अगर वो ब्रोकरेज BNB कॉइन में पे करता है तो वो दूसरे कॉइन के मुकाबले 25% लेस कीमत उसको देनी पड़ती है। तो एक तो इसका यूजेज ये हो गया कि जब आप इसका प्राइस जब ब्रोकरेज आप बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में पे करते हो तो आपको 25% का उसमें डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, और इसके अलावा ERC-20 कंप्लायंट जो कंप्लाइड यूटिलिटी टोकन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाइनेंस चेन पे बना हुआ एक यूटिलिटी टोकन है तो अगर आप उसको खरीदना चाहते हो जी, तो उसका पेमेंट भी आपको BNB कॉइन में करना होगा। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा यूजेज इसका ये बैठता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाइनेंस ने अपना एक NFT नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपको NFTs खरीदने हैं तो वो भी आप बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके BNB कॉइन के साथ BNB कॉइन पे करके आप उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसके मल्टी यूजेज कॉइन है जी हाँ जी हाँ।
और यहाँ मैं एक चीज़ और दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि हम कई बार बंद की बात करते हैं, तो अभी रिसेंट में 18 अक्टूबर 2021 को बीएनबी कॉइन ने अपना 17वां बर्न पूरा किया है, 17th बर्न। इससे पहले वो 16 बार कॉइन को बर्न कर चुके हैं, ये इनका 17वां कॉइन था जिसमें इन्होंने 13.36 लाख यानी कि 13,36,000 बीएनबी कॉइन को इन्होंने परमानेंटली बर्न कर दिया, सप्लाई से उसको निकाल दिया। अब जो बर्न किया है उसका अगर हम प्राइस की बात करें तो यूएस डॉलर में वो 63,95,00,000 रुपए की कीमत के बराबर बैठते हैं। हाँ जी। और अगर हम उसको INR में बात करें तो रफली 5,000 करोड़ कीमत के कॉइन बीएनबी कॉइन इन्होंने बर्न कर दिए, तो वो भी रिसेंट अभी 18 अक्टूबर 2021 को। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस एसेट के लिए। इसका सप्लाई कम कर दिया गया 13,36,000 कॉइन से, और 5,000 करोड़ रुपीज के इक्विवेलेंट सप्लाई को इन्होंने कम कर दिया जी। तो अब यहाँ हम इसका प्राइस भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएनबी कॉइन का अगर हम आज का प्राइस देखें तो यूएसडी में 487 US डॉलर के आसपास बैठ रहा है, INR में ये 37,890 रुपये 37,890 रुपीज का बैठ रहा है। और जिस हिसाब से इसका यूजेज है और जैसे ये ग्रो कर रहा है, मल्टी यूजेस कॉइन विद लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, हम इसका जो प्रेडिक्टेड प्राइस मान रहे हैं 2021 के एंड तक, ये जो 22 के एंड तक, 2022 के एंड तक यूएस डॉलर में ये कम से कम 1,000 US डॉलर का होना चाहिए, और अगर हम INR में बात करें तो ये 80,000 के रुपीज के आसपास ये होगा। जी तो मतलब जो अपने पैसे को डबल होते देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक साल में हमारे पैसे डबल हो जाएं, तो उनके लिए कॉइन सही हो सकता है। अगर फिक्स डिपॉजिट वाले सीन में अगर कोई, जिन्हें याद हो कि फिक्स डिपॉजिट करते थे 5 साल में दुगना, हाँ, तो अगर चाहते हैं कि 1 साल में ही दुगना करना हो तो आप बीएनबी कॉइन की तरफ रुझान दिखा सकते हैं जी। सर यहाँ मैं पुरुषोत्तम जी एक बार आपको और बता दूं, ये जो हम प्रेडिक्टेड प्राइस हम बात कर रहे हैं ये मेरी नजर में ये मिनिमम इतना होना चाहिए। अब इसमें कितना और बढ़ सकता है क्योंकि जैसे आप इसका पोटेंशियल देख रहे हो, जैसे आप इसका यूजेज हमने अभी डिस्कस किया, इसका मल्टी यूजेज कॉइन है जी, तो उस हिसाब से ये और भी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। खैर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को मैं चाहता हूं सर कि मैं बता दूं कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं बस आपको एक नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा कोई हम मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि आपको हम कोई ऐसा नहीं कहने का मतलब है कि आप जहां मैं बता रहा हूं वहीं जाके आप इन्वेस्ट करें। आप कुछ भी करने से पहले आप अपने स्तर पर आप रिसर्च जरूर करें, हो सकता है कि हम जो आपको बता रहे हैं अगर आप उस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं या रिसर्च करते हैं तो हमसे बेटर आप जान सकते हैं या सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी डिस्कशन एक बस नॉलेज ट्रांसफर का तरीका है और बाकी आप अपने से रिसर्च जरूर कर लें। सर किसी भी कॉइन के बारे में जानना कोई भी नए इन्वेस्टर्स के लिए कितना जरूरी होता है, कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले किसी कॉइन के बारे में मतलब बेसिक नॉलेज जो है उसके जो बैकग्राउंड है वो कितना जरूरी होता है किसी एक इंडिविजुअल को इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। पुरुषोत्तम जी अगर हम यहाँ इस बात को डिस्कस करें तो जब आप मार्केट में सब्जी भी खरीदने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं तो पहले आप उसको अच्छे से चेक करते हैं। तो अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग बार बार आपको यही सजेस्ट करते हैं कि उसको पहले एक बार अपने स्तर पे भी अच्छे से, जैसे आपने भी बताया अभी कि आप उसको अपने लेवल पे भी उसको अच्छे से चेक कर दें। हमने आपको एक बता दिया कि एक अच्छा कॉइन है जी, उसके अलावा आप उसको अपने लेवल पे भी चेक करें, लेकिन हमारी नज़र में ये एक बहुत अच्छा विद मल्टी यूजेज कॉइन है और इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा हमें आगे दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टॉप 3 में अगर कॉइन है तो वो बीएनबी कॉइन का नाम आता है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे दर्शकों को आज आपने बीएनबी कॉइन के बारे में बताया और कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ कॉइन है और ना कहें तो एक वेल सेटल्ड कॉइन है। तो हमारे दर्शक जो भी इस कॉइन के बारे में विशेषकर और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहें, अगर इस कॉइन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको चाहिए तो बस आपको बस ये करना है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है और वहाँ हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार इस कॉइन्स के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे।
मैं आपको बताते चलूं कार्यक्रम के अंत में कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लगातार देखते रहने के लिए, लगातार अपडेट्स रहने के लिए क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज और आम दिनों के समाचारों से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो कमेंट भी करते रहें, अपने सवालों के साथ यहाँ कमेंट करें और हम सभी आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।